प्रभु से जो प्यार करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जिनकी श्रद्धा पूरी मनुष्यता में, संपूर्ण पशु पक्षियों वृक्षों में अपने ही परम प्रिय के दर्शन करते हैं, हमारे प्रिय प्रभु उनके लिए एक अद्भुत जगत में एक अद्भुत स्वर्ग का निर्माण करता है। उसकी सुंदरता हमारी कल्पना से परे होती है। जहां वह हमारे आंसू पोंछ डालता है, प्रिय प्रभु के आश्रय में जहां कोई दुख नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी कभी नहीं होती है, उसके स्वर्ग में, उसके प्रकाश में सारे अंधियारे दूर हो जाते हैं। मैं अपना संपूर्ण समर्पण उस परम पिता परमेश्वर को करता हूं। बगैर उस परमात्मा को प्रेम किए, उसके बगैर विश्वास न करने के कारण ही हम इस पृथ्वी ग्रह पर दर्द से परिचित होते हैं, आंसुओं से अपने को भिगोते हैं। बुरी खबर मिलने पर हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा का स्वर्ग एक ऐसी जगह जहां हमारे प्रिय प्रभु की उपस्थिति है, वह इतना अद्भुत है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। प्रभु से प्रेम करो, आपके जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। हमारे सामने मुख्यतः दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम परमात्मा को, उस अनंत को चुनते हैं, या संसार को। संसार में लिप्त होना हमारे अज्ञान के अंधेरों को बढ़ाता है। परमात्मा हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, वो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। चलो अब प्रार्थना शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, आप मेरे जीवन के आधार हैं। आप ही मेरे दिलों पर शासन करने वाले हैं। आपसे ही हम अनंत शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मुझे मेरे जीवन को सभी पापों से मुक्त करें। जो मुझे पाप करने के लिए उकसाता है, उसे पहचानने में मेरी मदद करें और इस पाप वृत्ति को मेरे जीवन से सदैव के लिए बाहर कर दें। हे मेरे जगदीश्वर, मैं आपको चुनता हूं। मैं इस दुनिया से दूर आपकी शरण को चुनता हूं। आप मुझे थामे रखिए, इस जगत के झंझावतों से मेरी रक्षा करें। मैं आप पर अपने ध्यान को लगाऊं, आप पर ही मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूं, आपके नाम जप का सुमिरन करूं। मुझे वह ज्ञान दें प्रभु, मुझे वह ज्ञान दें प्रभु कि संसार का पीछा करना मेरे लिए व्यर्थ है। जो चीजें नष्ट हो जाती हैं, अस्थाई हैं, उनसे अपने ध्यान को हटाकर आपकी समग्र चेतना पर ध्यान को एकाग्र करूं। आप मुझे अपनी प्राप्ति करने में मदद करें, ईश्वरत्व का पीछा करने में मेरी सहायता करें, मेरे दिमाग को स्थिर रखने में मेरी मदद करें, अनंत जीवन को प्राप्त करने में मेरी सहायता करें, जीवन की नश्वरता को जान सकूं, इसको जानने में आप मेरी मदद करें, अनंत जीवन को मैं प्राप्त कर सकूं, मैं आपको प्राप्त कर सकूं। हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं आपको प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।